हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमओ स्क्वायर एंड सिन्हा ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो यू आर बेटर विद देयर एंड फाइन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट नाउ द चैप्टर लाइट ऑफ द क्लास 10th स्टैंडर्ड 10th का। आज हम लोग लाइट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक्चुअली पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कि जो लाइट आपका चैप्टर है क्लास 10th का, ये लाइट चैप्टर मतलब एक तरह से देखा जाए तो तीन डिफरेंट चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है जो हमें लाइट में स्टडी करना है। वो कौन कौन सा है चैप्टर्स में? तो वो चैप्टर्स है, इसमें से सबसे पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो दूसरा है हमारा वो क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सेकेंड वाला चैप्टर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड जो लास्टली हमारा थर्ड वाला पार्ट है गाइज, वो क्या है? तो थर्ड वाला पार्ट है हमारा ह्यूमन आईज। वो क्या है हमारा? ह्यूमन आईज। तो ये तीन पार्ट में लेकर के हमें इसको स्टडी करना है। बट मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप यही एनसीईआरटी के बेसिस पे देखोगे तो इसमें दो ही चैप्टर है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है एनसीईआरटी में और इसको एक चैप्टर रखा गया है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका ये टोटल कितने चैप्टर्स हैं? ओनली टू चैप्टर्स आर देयर, ओनली दो चैप्टर्स। एक ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का कंबाइन किया हुआ मर्ज किया हुआ पार्ट है आपका, और एक जो है आपका ये ह्यूमन आईज है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लाइट के दो पार्ट्स हैं, ओके गाइस। बट अगर हम लोग साइड बुक से चलते हैं या अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो एक चैप्टर रिफ्लेक्शन हो जाता है, दूसरा रिफ्रैक्शन हो जाता है, तीसरा ह्यूमन आईज हो जाता है। अब साथ ही साथ हम तुमको ये भी बता दे गाइस कि यहाँ पे जब एनसीईआरटी ने हाल ही में जो अनाउंस किया, अनाउंस करने के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि 30% सिलेबस जो डिक्रीज हो गया है, तो इन दोनों यानी इन सारे चैप्टर्स में से क्या क्या यहाँ से हटा है ये जरा से जान लेते हैं। तो इस चैप्टर में से इसका यूजेज हट गया है कि हम लोग इस लेंस का यूजेज क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जो भी लेंस होते थे हमारे, कंकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, उसके यूजेस को हटा दिया गया, तो यूजेस को हमें नहीं पढ़ना है, ओके। और इस चैप्टर में से ह्यूमन आईज में से जितने भी तरह के डिफेक्ट्स होते थे उन डिफेक्ट्स का करेक्शंस होता था, इन डिफेक्ट्स और उनके करेक्शंस को हटा दिया गया है, ओके। तो यही है हमारा टर्म्स जो यहाँ पे रिमूव हुआ है, और बाकी कंटेंट जो है वो हमें स्टडी करना है, ठीक है गाइस। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से, हम लोग पढ़ेंगे इसको तीन अलग अलग चैप्टर के टर्म में। तो पहले पढ़ लेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, आफ्टर दैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड लास्टली हम लोग पढ़ लेंगे ह्यूमन आईज को। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, ओके गाइज। तो हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा आज का? तो आज का टॉपिक हो जाएगा हमारा पार्ट वन फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ चैप्टर, फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का ये पार्ट वन हो जाएगा हमारे लिए गाइस। एंड इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे? तो इस पार्ट को स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 10th के लिए। किस क्लास के लिए स्टडी करेंगे गाइस? स्टैंडर्ड 10th के लिए स्टडी करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, एंड कंटिन्यू करने के पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि जो और भी चैप्टर्स हैं, जैसे आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी आपका चैप्टर है, फिर आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर है, इन चैप्टर्स के भी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं। तो अगर आपको उन चैप्टर्स में से किसी का भी वीडियो चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा तो वहां से भी देख सकते हो, ओके गाइज। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो हमें यहाँ जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जानना है, इसके पहले थोड़ा सा लाइट का इंट्रोडक्शन हो जाए कि लाइट एक्चुअली क्या है। अगर हम लोग लाइट को जान जाएंगे तो फिर बाकी रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ ही लेंगे, रिफ्रैक्शन भी पढ़ ही लेंगे, ओके। तो पहले लाइट को आइडेंटिफाई करते हैं, लाइट को डिफाइन करते हैं कि ये क्या है। तो व्हेन यू गोइंग टू डिफाइन द लाइट, यू कैन से इट द लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ viewing something
व्यूइंग समथिंग, किसी भी चीज को देखने का ये सेंसेशन प्रोवाइड करता है। तो ऐसे एनर्जी को ही हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, लाइट कहेंगे। ओके गाइस, एक्चुअली होता क्या है, आप जिस भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, लेट सपोज यहाँ पे एक टेबल है, टेबल के टॉप पे यहाँ पे एक फ्लावर वेस है पड़ा हुआ। ओके, तो फ्लावर वेस है पड़ा हुआ, इसमें फ्लावर्स हैं कुछ कुछ एक दो, है ना, लाइक दिस। तो ये फ्लावर वेस आप कैसे देख पाते हो, आप यहाँ पे खड़े हो, तो आप यहाँ पे खड़े हो तो आप फ्लावर वेस को कैसे देख पा रहे हो। तो फ्लावर वेस को देखने का क्या क्रिटेरिया है आपका, आपका क्रिटेरिया कुछ ये है कि कहीं रूम में लाइट भी होगा, कोई बल्ब वगैरह कहीं पे होगा जो जल रहा होगा रूम में। तो ये बल्ब या लाइट या कुछ भी चीज यहाँ से ग्लो होता है, तो इसके लाइट के कुछ रेज हैं जो इस फ्लावर पॉट पे आते हैं। अब ये रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ चला जाता है, हमारे आईज पे चला जाता है। तो आईज में चला जाता है तो यही जाकर के हमारे आईज में इसका इमेज फॉर्म कर देता है। तो जैसे ही ये इमेज फॉर्म होता है तो हमें ये चीजें दिखाई देने लगती है। तो यही फेनोमिना है हमें दिखाई देने का, हमें कैसे दिखाई देता है इसका एक फेनोमिना मैंने आपको शो कर दिया। अब इसमें भी एक्चुअली क्या होता है, आई के अंदर ये देखिए, तो आई जो है हमारा वो स्फेरिकल बॉल के की तरह होता है, जिसमें आगे का पार्ट एक कॉर्निया होता है, सबसे आगे यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ पार्ट, उसके ही अंदर हमारा होता है एक कन्वेक्स लेंस, जिसको आई लेंस भी कहते हैं हम लोग, ठीक है, ये वाला लेंस होता है। और इधर रेटिना होता है जहां पे इमेजेस फॉर्म होना होता है, ये साइड रेटिना है हमारा। तो सामने आपका कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, लाइक दिस, अगर एक कोई ट्री ही है लेट सपोज, तो ट्री से जो भी रेज यहाँ से आते हैं वो पास करके इधर से रिफ्लेक्ट होकर के जाते हैं और लेंस से ये क्रॉस करता है, तो इसी का इमेज जो है यहाँ नीचे की ओर ऐसे होकर के फॉर्म हो जाता है, इनवर्टेड इमेज। तो ये क्रिटेरिया है हमारे आईज में इमेज फॉर्म होने का। तो हमारे आईज में इमेज कैसा फॉर्म होता है, इन्वर्टेड, उल्टा साइड का होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों कैसे होता है, तो ये तो हम लोग डिटेल से जानेंगे ह्यूमन आईज में गाइस, बट फिलहाल हम लोग इतना समझ गए हैं कि आई में इमेज फॉर्म होगा किसकी वजह से, इस लाइट एनर्जी की वजह से। अगर लाइट नहीं आएगा, लाइट के रेज नहीं आएंगे, तो हमारे आईज में जाकर के कोई इमेज फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि हमारे आई में कोई रे इंटर ही नहीं करेगा। लाइकली डैट यहाँ पे भी अगर ये रे नहीं रहता तो ये रे यहाँ से क्रॉस होकर के कभी नहीं आता, तो हमारा रेटिना पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होता। तो यहाँ लाइट का प्रेजेंस होना एकदम ज्यादा जरूरी है। दैट्स व्हाई वी हैव सेड दैट द लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स सेंसेशन ऑफ व्यूइंग समथिंग, किसी भी चीज को देखने का सेंसेशन देता है। कभी कभी इसी चीज को दिया जाता है, व्हिच गिव्स द सेंसेशन ऑफ व्यूइंग समथिंग को हटा करके यहाँ पे लिख दिया जाता है व्हिच गिव्स सेंसेशन ऑफ साइट। साइट मतलब भी वही हो गया, देखने का। तो देखने का सेंसेशन देता है, इसी को हम लोग व्यूइंग सेंसेशन भी कह सकते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग को लाइट जो है वो देखने का एक सेंसेशन प्रोवाइड करता है, जैसे हमारा ईयर सुनने का सेंसेशन प्रोवाइड करता है, लाइकली टू डैट हमारा जो आईज है वो क्या करेगा, देखने का सेंसेशन प्रोवाइड करेगा। ओके, तो लाइट क्या है आप इस तरह से समझ गए। अब लाइट को सिर्फ इसमें में डिफाइन नहीं किया जाता, लाइट को और भी तरीके से डिफाइन किया जाता है, एक और तरीके से। तो एक और तरीके से डिफाइन करके इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो इसको डिफाइन करके एक ये भी कहा जाता है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये भी कहा जाता है। तो अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, ये कैसा वेव है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट के बारे में जो बताया गया है, तो हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग इस वेव के बारे में नहीं समझेंगे तब तक इस डेफिनेशन को नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोग इस दूसरे डेफिनेशन को समझने के लिए जरा सा इस वेव के टर्म को समझते हैं एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्म को समझते हैं। ओके गाइस, सो अब मैं इसको इरेज करता हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर सो दैट यू कुड मेक द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके गाइस, सो
आई हैव जस्ट इरेज इट एंड नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेव। हम लोग अब यहाँ पे थोड़ा सा वेव के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि वेव एक्चुअली होता क्या है एंड इसको किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा गया, ऐसे हम लोग डिफाइन करके चलते हैं। तो कोई भी वेव, वेव कब कहा जाएगा? जब कोई भी चीज का मूवमेंट, कोई भी पार्टिकल का मूवमेंट एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी लेवल पे होता है, एक अप डाउन करके लेवल पे होता है, तो हम लोग इसी को क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल विथ ऑस्किलेशन, विथ ऑस्किलेशन इज कॉल्ड वेव। ओके गाइस, इस तरह से वेव को डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी पार्टिकल का मूवमेंट अगर ऑस्किलेशन के साथ हो रहा है तो इसी को वेव कहेंगे। ठीक है, अब वेव को अगर क्लासिफाई किया जाए तो यहाँ पे कैसे क्लासिफाई होता है ये देखते हैं। तो वेव का क्लासिफिकेशन अगर किया जाए तो यहाँ पे दो तरह के वेव हम लोग को मिलते हैं, है ना? क्या क्या मिलते हैं? एक जो हम लोगों को मिलता है वो नॉन मैकेनिकल वेव मिलता है, नॉन मैकेनिकल वेव मिलता है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और दूसरा जो हम लोग को मिलता है वो मिलता है मैकेनिकल वेव गाइस, मैकेनिकल वेव। इसी को हम लोग थोड़ा एक दूसरे लैंग्वेज में सिंपल वेव भी कहते हैं। अब गाइस यहां से और अगर क्लासिफाई किया जाए तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये तो कई सारे टाइप्स में यहां से बढ़ जाते हैं, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारा यूवी रेज आता है, रेडियो वेव आता है, गामा रेज आता है, कई सारा इसमें रेज वगैरह आते हैं, वेव्स वगैरह आते हैं। यूवी रेज का वेव, रेडियो का वेव, है ना, टीवी का वेव, है ना, कई सारा आता है, गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, लाइक दैट। तो ये सब इसके पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्ट्स हैं, जिसको आप पढ़ोगे क्लास 12th में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पूरा सीरीज बनता है जिस सीरीज में अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेवल पे ये अलग अलग रेज ऑब्टेन किए जाते हैं। तो इन सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे बाद में हम लोग आगे के क्लासेज में। एंड मैकेनिकल या सिंपल वेव को थोड़ा सा डिफाइन किया जाए तो इस वेव को यहाँ पे डिफाइन करके हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। एंड ये दो पार्ट क्या क्या हो सकता है? तो ये दो पार्ट यहाँ पे हो सकता है हमारा, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक हो सकता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, और दूसरा हो सकता है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। और इस ट्रांसवर्स वेव को लैटिट्यूडनल वेव भी कहा जाता है, तो यू कैन ऑल्सो कॉल इट लैटिट्यूडनल वेव। ओके गाइस, तो हम लोग इस तरह से यहाँ पे इसको अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं। तो ये वाला पार्ट तो हमें स्टडी करना नहीं है, हमें अभी जानना है किसके बारे में, स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कि ये क्या है, क्योंकि लाइट को क्या लिखा गया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखा गया था। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जरा इसको समझते हैं कि ये क्या है। तो ये एक्चुअली एक ऐसा वेव होगा गाइस जिसके पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी हो एंड मैग्नेटिक फीचर्स भी हो। आफ्टर दैट इसको मिला करके, कंबाइन करके क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो वी कैन राइट इट हियर, द वेव विच पार्टिकल इज हैविंग, विच पार्टिकल्स इज हैविंग, इज हैविंग बोथ द कैरेक्टर ऑफ, बोथ द कैरेक्टर ऑफ, कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक का भी थोड़ा कुछ कैपेसिटी हो, मैग्नेटिज्म का भी थोड़ा कुछ कैपेसिटी हो, तब हम लोग इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। तो लाइट में एक्चुअली यही होता है, लाइट के जो पार्टिकल हैं ये दो तरह का यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी पोज करता है। ओके, तो आपको जस्ट पढ़ाया गया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट चैप्टर में कि अगर एक एरो जो है मुझे डिनोट करे मैग्नेटिक फील्ड को और एक जो है ये डिनोट करे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो हमारा जो थंब होगा वो इसके मोशन यानी कि इसके वेलोसिटी को शो करेगा।
तो यहाँ पे यही होता है गाइज, ये दोनों एक इलेक्ट्रिक फील्ड को एक मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से डिनोट करते हैं, एंड डिनोट करते हैं तो इसके बीचों बीच यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ से क्या हो जाता है, तो इस पार्टिकल का मूवमेंट हो जाता है, यानी इस पार्टिकल की एक वेलोसिटी आ जाती है, इस पर एक फोर्स लग जाता है, और फोर्स लग जाता है तो इसमें मोशन आ जाता है, तो इसी मोशन की वजह से ये ट्रेवल करता है, ठीक है गाइस, इसी मोशन की वजह से ये लाइट ट्रेवल करता है, और इसलिए ही लाइट को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। लाइट कभी भी मूव करता है तो विदाउट एनी मीडियम, बिना किसी मीडियम के रिक्वायरमेंट के मूव करता है, क्यों गाइस, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक फीचर है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक फीचर जो था इसके पास, इसी को समझो कि ये इसके लिए एक फील्ड क्रिएट कर दिया, एक एरिया क्रिएट कर दिया, और इसी एरिया और इसी फील्ड में इसी मीडियम में अब ये आराम से प्रोपेगेट होकर के जा सकता है, ओके, तो इसलिए इसको कोई दूसरा मीडियम का जरूरत कभी नहीं पड़ता है। आप इसको दूसरे लैंग्वेज में इस तरह से समझ लो कि जैसे लेट सपोज मुझे कहीं जाना है, तो मुझे अगर कहीं जाना है तो पहले वहां पे मुझे क्या करना होगा, वहां के एरियाज के बारे में जानना होगा कि वहां का एरिया कैसा है कैसा नहीं है, वहां के सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जानना होगा, तो वो जो सराउंडिंग का हम हेल्प ले रहे हैं या वहां कौन लोग मेरे लिए रहते हैं नहीं रहते हैं, वहां हम जाएंगे तो सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इन चीजों का पता लगाते हैं, तो ये चीजें हमारे लिए क्या हो गई, मीडियम हो गई। बट अगर एक कोई ऐसा पर्सन है, एक कोई ऐसा बंदा है जो एकदम इंडिपेंडेंट है, वो कहीं भी जा रहा है तो अपने आप के साथ जो है दो बंदों को लेकर के जा रहा है, अपने साथ दो बंदों को लेकर जा रहा है, तो दो बंदा जो उसके साथ जा रहे हैं वो उसके लिए क्या करेंगे, व्यवस्था करने का काम कर देंगे कि कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है कहाँ सोना है कहाँ बैठना है इटीसी, ये व्यवस्था कर देंगे, तो ये बंदा जो है वो इजिली आराम से उस जगह पे क्या कर सकता है, जा सकता है। तो यही होता है लाइट के साथ, लाइट अपने साथ दो चीजों को लेकर के हमेशा चलता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी वजह से इसके लिए एक एरिया जो है वो फिक्स हो जाता है कि इस एरिया में आप इजीली ट्रेवल कर सकते हो, ये एरिया आपके लिए एक मीडियम की तरह बन गया है, एक मीडियम की तरह वर्क कर रहा है, तो इस मीडियम में आप इजीली आगे बढ़ के जा सकते हो। तो यही रीजन है कि लाइट जो है कभी कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं करता है, और विदाउट एनी मीडियम इट कैन रेगुलरली प्रोपेगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ओके गाइज। तो इसलिए मैंने कहा था कि लाइट जो होगा वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। तो आई होप सो अब डेफिनेशन को आप समझ रहे होंगे कि जो मैंने डेफिनेशन यहां दिया था कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका मतलब लाइट जो है वो एक ऐसा वेव है जिस वेव को प्रोपेगेट करने के लिए मतलब मूव करने के लिए कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि इस वेव के पास खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको मैग्नेटिक वाले चैप्टर में मैंने समझाया है, तो इसके पास ये खुद का ये दोनों फील्ड है, और ये दोनों फील्ड ही उसके लिए एक नया मीडियम क्रिएट कर देता है, और एक तरह का ये मीडियम जो क्रिएट हुआ इसी मीडियम में ये ट्रेवल करके चला जाता है, तो नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल मीडियम, वी कैन से एक्सटर्नल कोई मीडियम जैसे एयर का प्रेजेंस या किसी भी तरह का प्रेजेंस वहां जरूरत नहीं होता है। जैसे साउंड का अगर देखा जाए, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक टाइप है गाइस, तो साउंड में क्या होता है, साउंड में ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का प्रॉपर्टी नहीं है, तो साउंड कभी भी कहीं से ट्रेवल करेगा, है ना, लेट सपोज कोई स्पीकर है यहां से साउंड को आगे पास होना है तो इट विल रिक्वायर द मीडियम, ये मीडियम को यहाँ रिक्वायर करेगा, मीडियम का पार्टिकल नहीं रहेगा तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन लाइट के लिए ऐसा कुछ नहीं है, लाइट अपना मीडियम खुद क्रिएट करेगा विद द हेल्प ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर, अपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कैरेक्टर के हेल्प से, ओके गाइज। सो दैट्स ऑल, यही मैं बताना चाह रहा था आपको लाइट के प्रॉपर्टी में, तो आप इसको वेव से आप इजीली समझ लिए हो। अब आ जाते हैं हम लोग लाइट के प्रॉपर्टीज पे कि लाइट का प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएगा। सो वी आर टेकिंग द हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट का क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये अब हम लोग देख लेते हैं। तो लाइट का प्रॉपर्टीज आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, कई सारा प्रॉपर्टीज, जैसे सबसे पहला प्रॉपर्टी आप इसमें पढ़े होंगे इसके रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन के बारे में कि लाइट ऑलवेज मूव्स
इन रेक्टिलिनियर पाथ. रेक्टिलिनियर पाथ का मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ. मूव्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ. स्ट्रेट लाइन पाथ में ये हमेशा मूव करता है, आपने ऐसा पढ़ा होगा. ठीक है, और इसका एक्सपेरिमेंट भी आपने देखा होगा कि हम लोग एक थर्मोकॉल जैसा स्ट्रक्चर कुछ लेते हैं एंड थर्मोकॉल जैसा स्ट्रक्चर लेकर ऐसे ऐसे बीच में होल्स बना देते हैं. दो तीन थर्मोकॉल का स्ट्रक्चर लेकर के ऐसे बीच में होल्स बना देते हैं एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक कैंडल, बर्निंग कैंडल यहाँ पे एक प्लेस करते हैं और इस साइड से हम लोग देखते हैं यहाँ पे आंख लगा करके कि ये सामने से लाइट आता है कि नहीं. तो ये सामने से यहाँ से लाइट इंटर करता है, फिर यहाँ से निकलते हुए दूसरे होल से इंटर करता है, फिर तीसरे होल से इंटर करता है और लास्टली हमारे आईज तक पहुंच जाता है. तो ये इससे हम लोग को पता चलता है कि ये सामने सामने आ रहा है. अब वंस हम लोग क्या करते हैं, इसके इसका सेकेंड वाला बीच वाला जो था इसके होल को थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि ये सोचते हैं कि हो सकता है ये लाइट जो है कर्व पाथ में भी ऐसे ट्रेवल करके आए, ऐसे ऊपर नीचे ट्रेवल करके भी आए. लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये ऊपर नीचे ट्रेवल करके कभी नहीं आता है. तो ऊपर वाले होल को रखने के बाद ये लाइट हम तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि ये यहीं पे आके ऑब्स्टैक हो जाता है, ऊपर वाले होल से कभी पास नहीं होता है. तो इस फेनोमेना से, इस प्रैक्टिकल से आपने प्रूफ किया था कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ऐसा आपने पढ़ा था. बट क्या सच में हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है? इज इट ट्रू? क्या है गाइस, क्या ये सच है? नो, इट इज नॉट ट्रू. इट इज ओनली ट्रू फॉर अ सर्टेन मीडियम. अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ है तब तक के लिए ही ये सही है, अगर मीडियम चेंज हो गया है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. तो आप क्या लिख सकते हो, लाइट ऑलवेज मूव इन स्ट्रेट लाइन पाथ अंटिल द मीडियम गेट चेंज. अंटिल द मीडियम गेट चेंज, जब तक मीडियम चेंज नहीं करता है ओनली तभी तक. अगर चेंज हो गया तो इसका पाथ का डायरेक्शंस भी चेंज हो जाएगा और फिर ये स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं रहेगा. जैसे आपने देखा होगा, पढ़े होंगे गाइस कि जैसे एक कोई हम लोग ले लेते हैं ग्लास स्लैब और ग्लास स्लैब पे कोई रे ऑफ लाइट ऐसे फॉल करता है तो ये स्ट्रेट लाइन में जाने की बजाय थोड़ा बेंड हो जाता है. तो ये बेंड हुआ इसका मतलब एक तरह से ये तो कर्व पाथ हो गया ना. आप देखो इसको मिला करके ऑलमोस्ट ये कर्व पाथ हो गया, तो ये तो कर्व पाथ पे ट्रेवल कर गया गाइस. ओके, तो ऐसे कर्व पाथ क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ मीडियम चेंज हो गया, एक एयर था मीडियम और अभी यहाँ का मीडियम आ गया ग्लास, तो ये मीडियम चेंज हो गया इस वजह से यहाँ कर्व पाथ हुआ. तो जब तक मीडियम चेंज ना करे, अनटिल द मीडियम गेट चेंज, इट विल रिमेन इन स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन में तब तक रहेगा जब तक मीडियम चेंज नहीं करता. तो आपको कई सारे टीचर्स पढ़ाते हैं तो ये तो बता देते हैं कि इट विल मूव ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन बाद में यही चीज पता चलता है जब हमें, तो हम लोग कहते हैं कहां सर, कहां स्ट्रेट लाइन में मूव किया. तो इसको मैंने आपको पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया कि जब तक मीडियम चेंज ना करे तब तक ये स्ट्रेट लाइन में रहेगा और अगर मीडियम चेंज हो गया तो स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेगा. चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग इस लाइट का. तो सेकेंड प्रॉपर्टी वी कैन राइट दैट लाइट ऑलवेज मूव्स इन ग्रुप ऑफ रेज. इन ग्रुप ऑफ रेज, रेज के ग्रुप में ये मूव करता है एंड दिस ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम. इसी ग्रुप ऑफ रेज को हम लोग यहाँ क्या नाम देते हैं, बीम. अब बीम का डिवीजन भी होता है, पैरेलल बीम, ओके, डाइवर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम. तो इसका टाइप्स भी है, तीन टाइप्स है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि लाइट के बीम के कितने टाइप्स हैं, रेज के कितने टाइप्स हैं. चलिए तीसरा देखते हैं. तो तीसरा प्रॉपर्टी यहां से हमारा क्या आ जाता है, लाइट ऑलवेज मूव्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. किस फील्ड के हेल्प से मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से. इसलिए इसको कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. तो हम लोग फोर्थ पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, लाइट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल. कोई मीडियम इसको नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए, ये बिना मीडियम के ही ट्रेवल करता है. पांचवा प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं गाइज हम लोग, लाइट मूव्स विथ हाईएस्ट स्पीड
that is 3 into 10 to the power 8 meter per second in vacuum as well as in air. Air में भी लगभग आप इतना ही मान के चलते हो 3 into 10 to the power 8, हालांकि थोड़ा सा कम हो जाता है, 298,000 हो जाता है, 2.98 into 10 to the power 8 के आसपास हो जाता है. तो 98 हो ही गया तो अप्रोक्सी हम लोग उसको 3 ही मान लेते हैं और एयर और वैक्यूम दोनों में यही स्पीड मानकर चलते हैं. ओके गाइस, तो इसका ये हाईएस्ट स्पीड है. इतना ज्यादा स्पीड आज तक किसी भी मूवेबल बॉडी का नहीं आया, किसी भी मूवेबल बॉडी का इतना ज्यादा स्पीड नहीं है. ओके गाइस, इनफैक्ट अगर आप अच्छे अच्छे हेलीकॉप्टर प्लेन इन सब की भी बात करो तो उन सब का भी स्पीड इतना ज्यादा नहीं. उन सब का स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर या 600 किलोमीटर पर आवर है. तो 600 किलोमीटर पर आवर अगर हम देखें तो किलोमीटर को और पर आवर को अगर आप चेंज करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई होगा. तो 5/18 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये कम ही आएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा. अब ये 500/3 मीटर पर सेकेंड आया जो कि काफी कम है, इतना ज्यादा तो कभी नहीं हो सकता. अगर आप इसका मैक्सिमम स्पीड 600 हटा करके 1800 भी मान लेते हो, लेट सपोज किसी वजह से हम लोग इसका स्पीड 3 गुना बढ़ा दिए, उस प्लेन का उस फ्लाइट का 3 गुना बढ़ा दिए, तब भी ये 100 टाइम कैंसिल होगा और 100 टाइम कैंसिल होकर के 1800 और 100 इंटू 500 मीटर पर सेकेंड आएगा. लेकिन ये ओनली 500 आया और ये कितना है, ये हमारा 3 × 10⁸, 3 × तो ये ओनली 500 आया, ये हमारा ओनली 500 आया और ये 3 × 10⁸ है, मतलब 30 करोड़ के आसपास का डाटा है. तो उतना ज्यादा है जो कि कभी पॉसिबल किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है. ओके गाइस, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी है. तो अभी हम लोग पांचवा प्रॉपर्टी देखे हैं, छठा प्रॉपर्टी पे आते हैं. तो सिक्स प्रॉपर्टी है हमारा लाइट. लाइट इज मेड ऑफ टेनी पार्टिकल कॉल्ड फोटोन. बहुत ही छोटे से पार्टिकल का बना हुआ है जिसको हम लोग फोटोन कहते हैं. फोटोन क्या है भाई हमारा, तो फोटोन एक एनर्जी पैकेट के फॉर्म में वर्क करता है हमारे लिए. ओके, आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर, मैं इसके बारे में और कुछ एक्सप्लेन करूंगा बाद में. चलिए सेवेंथ प्रॉपर्टी आते हैं. तो सेवेंथ प्रॉपर्टी, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ सेवन कलर्स. सात कलर्स का होता है जिसको कहते हैं हम लोग विवग्योर. क्या कहते हैं गाइस, विवग्योर. तो ये इसके प्रॉपर्टीज में आ रहा है हम लोग का. ठीक है, जितना भी ये टर्म्स मैं लिख रहा हूँ ये सब लाइट का क्या हो गया हमारा, प्रॉपर्टीज हो गए. ओके, तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं हमारे जो हम लोग लाइट के फॉर्म में इसको स्टडी किए. ठीक है गाइस, ये कर सकते हैं हम लोग. और भी प्रॉपर्टीज चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसे सात काफी है क्योंकि यूजुअली आपको 5 लिखना रहता है तो 7 काफी है. बट आप चाहो तो यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो और भी प्रॉपर्टीज. क्या क्या कर सकते हो, लाइट हैविंग अ वेरी हाई एनर्जी, अ वेरी हाई एनर्जी विथ विटामिन डी के साथ इसमें एक बहुत हाई एनर्जी पाया जाता है. आप पढ़े होंगे कि सन के लाइट के सोर्स में विटामिन डी होता है गाइस, तो आप इसको भी लिख सकते हो. ओके, प्रॉपर्टीज के फॉर्म में. तो ये सब जो हो गया हमारा लाइट का कुछ प्रॉपर्टीज हो गए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के वीडियोस के लिए इतना ही. हम लोग लाइट का प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, लाइट के बारे में काफी कुछ जानकारी ले ली हम लोग. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर करो. ओके, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो. ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.